हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 26 जून 2019 दोस्तों इसकी यूपीएसईई दोस्तों इसका काउंसलिंग आप आज से शुरू हो गई है। तो दोस्तों, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हम आपको इसमें बताने वाले हैं वीडियो में कि आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड फोर्थ राउंड तक आपका और इस पार्ट काउंसलिंग तक आपकी क्या क्या डेट है, किस दिन आपका सीट अलाटमेंट पेपर होगा, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ये किस डेट को होगा, ये सब आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली और भी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, इसमें हम बताने वाले हैं पहला आपको फर्स्ट राउंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका देख रहे हैं दोस्तों टेंटेटिव शेड्यूल फॉर यूपीएसईई काउंसलिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताते हैं, फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में दोस्तों आपका पहले रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी होगा। देख रहे हैं दोस्तों, आपका इवेंट है यहाँ पर। इवेंट में क्या है दोस्तों, फर्स्ट राउंड की बात करें तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस, मतलब दोस्तों आपको साइबर कैफे में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है। और पेमेंट फीस आपको दोस्तों पता है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये लग रहा है। तो सभी के लिए है दोस्तों, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी कोई भी हो, इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए सभी को 1000 रुपये लग रहा है। कितना दोस्तों? 1000 रुपये। और दोस्तों, ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस होने वाला नहीं है। अगर दोस्तों आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता, इससे इनसे कोई मतलब नहीं है आपको। ये नॉन रिफंडेबल है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए, ओनली रजिस्ट्रेशन के लिए, और सभी के लिए 1000 रुपये रखा गया है। उसके बाद बात करें दोस्तों, ये आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फीस, इसकी डेट की बात करें दोस्तों, आपका स्टार्ट डेट जो होगी 26/6/2019, अर्थात आज से दोस्तों 11 बजे से आज स्टार्ट हुई है। 11/6/2019 से दोस्तों ये स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों 11 बजे से कुछ आज लेट हो गया है, तो 11/6/2019 से ये मतलब जो शेड्यूल बताया गया है वो इसके हिसाब से 11/6/2019 के 11 बजे से स्टार्ट हुई। और ये दोस्तों आपका जो चलेगा, ये 2/7/2019 अर्थात दोस्तों 2 जुलाई तक रात 12 बजे तक आपका ये एग्जाम एंड डेट होगी। तो आपका अगर फर्स्ट राउंड की बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो दोस्तों फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन आपका कब से होगा? तो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन दोस्तों 26 से आपका 2 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से दोस्तों 2 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा रात 12 बजे तक। अगर दोस्तों इस फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें, तो आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 27 जून 11 बजे से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू होगा। अर्थात दोस्तों अगले दिन ही आपका, कल से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू होगा 27 से 11 बजे से। और ये दोस्तों आपका 3/7/12 बजे तक आपका चलेगा। 3/7 दोस्तों मतलब 3 जुलाई तक आपका ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब से दोस्तों? 27 जून से आपका 3 जुलाई तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, दोस्तों हम आपको लास्ट तक बताएंगे कि आपका थर्ड से लेकर इस पार्ट तक आपको डिटेल में बताएंगे कि आपकी क्या क्या डेट है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा, आपके कॉलेज के एडमिशन तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो दोस्तों इसमें बताने वाले हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग की। तो ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग में क्या है दोस्तों, कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। उसमें ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग में है कि आप पहले आप कॉलेज को आप चूज करना है कि आपने कितने कॉलेज आपको लेना है। तो उसमें आप कॉलेज को चूज करेंगे, उसके बाद दोस्तों कॉलेज को लॉक करेंगे। तो वही है दोस्तों आपका ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग। तो ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग की डेट क्या है दोस्तों? 29/6/2019 से दोस्तों आपका 4/7/2019 है। दोस्तों ये आपका 15 मतलब आपका 3 बजे से 9 बजे तक है आपकी डेट। 29/3/4/9 बजे तक है। तो दोस्तों आप समझिए कि फर्स्ट राउंड को जो आपका ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होगा वो आपका 29 तारीख से कितने तारीख तक दोस्तों? 4/7 मतलब 4 जुलाई तक होगा। उसके बाद बात करें दोस्तों सीट मेट अलाटमेंट पेपर की बात करें, सीट अलाट कब होगा? तो सीट जो अलाट होगा दोस्तों आपका 4/7/2019। ये दोस्तों आप समझिए, यहाँ पर आपने फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग कराई है उसका जो सीट अलाटमेंट का मतलब है दोस्तों, आपका कॉलेज अलाट हो जाएगा कि कौन सा फर्स्ट राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो कौन सा आपको कब आएगा दोस्तों, उसको आपका फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग करा रहे हैं 26 तारीख को मेरे भाई, उनका आपका आएगा 4/7/2019 को। 4/7/2019 को दोस्तों उनका सीट अलाटमेंट पेपर आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है 3 बजे। ठीक है दोस्तों, अगर उसके बाद बात करें दोस्तों ऑनलाइन विलिंगनेस, आप इसकी क्या है दोस्तों आपका ऑनलाइन विलिंगनेस, इसमें क्या है दोस्तों? दो ऑप्शन दिया है, फ्रीज और फ्लोट। फ्रीज का मतलब दोस्तों आपको समझाते हैं, फ्रीज का मतलब है कि जो कॉलेज आपको मिल गया, अगर दोस्तों आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया आपको वो कॉलेज मिल गया, अगर आपको वो कॉलेज मिल गया और उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज को आप लाइक करते हैं तो आप उस कॉलेज को ले लेंगे, तो ये ऑप्शन आपको दोस्तों फ्रीज का ऑप्शन होगा, उसके लिए आप फ्रीज करेंगे।
अगर दोस्तों आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं तो आप उस कॉलेज को क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो फ्लोट का मतलब आप समझ गए दोस्तों, अगर जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है अगर आपको लेना है तो आप फ्रीज करेंगे और एडमिशन आप ले लेंगे, लेकिन आपको फ्लोट अगर करते हैं तो आप अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए आप योग्य होंगे। तो दोस्तों यहाँ की जो आपको ऑनलाइन विलिंगनेस मतलब फ्रीज और फ्लोट का जो होगा वो आपको दिया जाएगा 4 तारीख से आपका 7 तारीख के बीच, अर्थात 4 जुलाई से आपका 7 जुलाई के बीच आपको फर्स्ट राउंड के मेरे दोस्तों के लिए 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच रखा गया है फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन ऑनलाइन विलिंगनेस। उसके बाद दोस्तों बात करें हम पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, दोस्तों आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा तो आपके ऑनलाइन विलिंगनेस हो जाएगी। उसके बाद आता है दोस्तों आपका पेमेंट ऑफ सीट इन कंफर्मेशन, अर्थात दोस्तों आपको जो कॉलेज मिला है उसमें आपको कंफर्म करना है कि मैं इस कॉलेज को ले रहा हूँ, अब कंफर्म है। तो सीट कंफर्म करने के लिए दोस्तों आपको 20,000 रुपये या 12,000 रुपये, अब 20,000 किसे जमा करना है दोस्तों, अगर दोस्तों आप जनरल हैं या OBC हैं, दोस्तों जनरल हैं और OBC हैं तो आपको 20,000 रुपये सीट कंफर्मेशन की जो फीस है दोस्तों वो जनरल और OBC के लिए 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये है। अगर दोस्तों बात करें SC और ST की, अगर SC और ST की बात करें तो उनके लिए दोस्तों 12,000 रुपये रखा गया, कितना दोस्तों 12,000 रुपये SC और ST के लिए रखा गया, जनरल और OBC के लिए 20,000 रुपये सीट कन्फर्मेशन पेमेंट फीस है दोस्तों। ये दोस्तों ये डेट है इस, ये फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट को कितने के बीच, इसको भी 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच करना है। तो आपको ऑनलाइन विलिंगनेस जो फ्रीज और फ्रॉड का होगा ये भी आपको 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच ऑप्शन है, और आपका पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन जो कंफर्म करेंगे सीट वो भी आपका 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच है फर्स्ट राउंड के मेरे स्टूडेंट मेरे दोस्तों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपको बात करते हैं हम फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज सीट कैंडिडेट, तो फिजिकल रिपोर्टिंग आपके फिजिकल रिपोर्टिंग, उसके बाद दोस्तों है आपका फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज, अगर दोस्तों आप कॉलेज को फ्रीज करते हैं मतलब आप कॉलेज को लेते हैं तो उनका जो फिजिकल रिपोर्टर फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वो आपको 5/7/2019 से 29/7/2019 के बीच होगी। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, आपका 5/7/2019 से 29/7/2019 के बीच होगी। तो इसका उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं आपको सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा, ये दोस्तों आपका फर्स्ट राउंड का कंप्लीट होता हुआ सीट कंफर्मेशन हो जाएगा आपका 4 से 7 जुलाई, और दोस्तों फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन की, तो सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस जो होगा फ्रेश कैंडिडेट्स, इसमें क्या होंगे दोस्तों सभी फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे। तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस की बात करें तो ये डेट दोस्तों है, उसमें फिर आपको 1,000 रुपये आपको जमा करना होगा, तो आपका फिर से रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स फ्रेश कैंडिडेट्स की यहाँ बात कर रहे हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे वो उनको 1,000 रुपये जमा करना होगा, चाहे जनरल हो, OBC, SC, SC किसी भी कैटेगरी के हों, उनको 1,000 रुपये जमा करना है। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम कि उनकी डेट क्या होगी, तो उनकी डेट दोस्तों रखी गई है 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच, 8 जुलाई की 11 बजे से दिन 11 बजे से आपके रात 12 बजे तक रखा गया है 12 तारीख को 12 जुलाई को, तो 8 से 12 तारीख कितना दोस्तों 8 से 12 तारीख सेकंड राउंड के जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो 8 से 12 जुलाई रखा गया है। उसके बाद दोस्तों बात करें इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोस्तों जो है इनका है आपका 8 जुलाई से 13 जुलाई, तो दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 8 जुलाई से 12 होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो आपका कब होगा दोस्तों 8 जुलाई से आपका 13 जुलाई के बीच होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होता, सभी क्रम वही चीज़ है दोस्तों, लेकिन मैं आपको डेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप डेट में क्लियर रहिए, कन्फ्यूज ना होइए, आप डेट से नहीं पीछेगी नहीं तो आप कॉलेज से वंचित रह सकते हैं, तो प्लीज़ आप डेट का जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए आपका 8/7/2019 से 14/7/2019 ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग की बात करें दोस्तों, आपका 8 तारीख से 14 तारीख है ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, आपने दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग मतलब आप कॉलेज को चॉइस करेंगे और लॉक करेंगे। तो ये डेट कितने हैं सेकंड राउंड के लिए, वो आपको 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच रखी गई है, आप ध्यान रखिए दोस्तों 8 जुलाई से 14 जुलाई। दोस्तों टाइमिंग का भी विशेष ध्यान रखिए, टाइमिंग से अगर आप नहीं जाएंगे तब भी आप बाहर रह सकते हैं, तो टाइमिंग का जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर सीट अलाटमेंट की, तो सीटमेंट सेकंड राउंड का सीटमेंट अलाटमेंट जो होगा आपको दोस्तों 15 तारीख को होगा, कितना दोस्तों 15 जुलाई को होगा सेकंड राउंड का सीटमेंट अलाटमेंट, मतलब इसका मतलब आपको दोस्तों इस डेट को कॉलेज सेकंड राउंड के मेरे दोस्त हैं उनका जो कॉलेज अलाट होगा वो 15 तारीख को होगा, और दोस्तों मेरे फर्स्ट राउंड के थे उनको आपको 4 जुलाई को, कितना दोस्तों 4 जुलाई को हो रहा था, और इनका जो हुआ है वो 15 जुलाई को होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन विलिंगनेस, ऑनलाइन विलिंगनेस का मतलब है आपका फ्रीज फ्लॉट वही ऑप्शन है दोस्तों, बस डेट का आप ध्यान रखिए।
आपकी डेट है दोस्तों 15/7/2019 से आपका 19/7/2019। दोस्तों 15/7/19 की बात करें तो 15 से आपका 19 के बीच है, कितना दोस्तों 15 से 19 मतलब 15 जुलाई से आपका 19 जुलाई के बीच ये ऑनलाइन विलिंगनेस है। आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा वहाँ आप फ्रीज करते हैं कि फ्लोट करते हैं, ये डेट आपको दी गई है 15 से 19 के बीच। उसके बाद बात करें दोस्तों पेमेंट ऑफ सीट इन्फॉर्मेशन, सीट कन्फर्मेशन है दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन वही चीज़ है दोस्तों। अगर आप सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलता है तो आपको सीट कन्फर्म करने के लिए 20,000 से 12,000 आपको 20,000 किसको जमा करना है, 20,000 दोस्तों जनरल या ओबीसी को जमा करना है आपको, जनरल ओबीसी को, और दोस्तों 12,000 जमा करना है आपको एससी और एसटी को, 12,000 रुपये जमा करना है। तो ये डेट क्या है दोस्तों, ये आपका 15/7/2019 से आपका दोस्तों है 19/7/2019 से दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 15/7/2019 से 19/7/2019 से टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों आप, 15/7/2019 से 19/7/2019 मतलब 15 जुलाई से आपका 19 जुलाई के बीच है। और बात करें दोस्तों ऑनलाइन विलिंगनेस की, तो ऑनलाइन विड्रा की बात करें तो दोस्तों अगर ऑनलाइन विड्रा आपका होता है तो ऑनलाइन विड्रा में क्या है दोस्तों, आपका रिफंड, जो रिफंड मतलब आपको वापस होता है वो 15,000-9,000। अगर दोस्तों आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपने 20,000 जो कंफर्म सीट करी है तो उसमें से आपको 15,000, जनरल ओबीसी को 15,000 और एससी एसटी जो 12,000 जमा किए हैं उन्हें 9,000 रुपये वापस हो जाएगा, ये बात रखी गई है। ये कब वापस होगा, इसकी डेट दोस्तों 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच है, कितना दोस्तों 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच रखी गई है। अगला बात करें दोस्तों फिजिकल रिपोर्टिंग, दोस्तों आपका जैसे फर्स्ट राउंड में फिजिकल रिपोर्टिंग होगा उसी प्रकार सेकंड राउंड में आपका सिर्फ फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। जो आपके कॉलेज अलाट हुए हैं जो स्टूडेंट्स को, उनको फिर फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट रखी गई है 16 जुलाई से 29 जुलाई के बीच, कितना दोस्तों 16 जुलाई से 29 जुलाई के बीच। और दोस्तों उनकी भी फिजिकल रिपोर्टिंग आप ध्यान से देखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग कितनी रखी गई है 5 जुलाई से 29 जुलाई रखी गई है, कितना दोस्तों 5 जुलाई से 29 जुलाई। और सेकेंड राउंड के दोस्तों की जो फिजिकल रिपोर्टिंग रखी गई है वो 16 जुलाई से 29 जुलाई के बीच रखी गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी, तो रजिस्ट्रेशन अब थोड़ा तो उसके बाद ये कंप्लीट होता है इनका, फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद सबका सेकंड राउंड का कंप्लीट होता है, उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। तो थर्ड राउंड की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों पहले रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे, तो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे तो रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट ऑफ फीस होगी, पेमेंट ऑफ फीस की हमने बताया कि उसमें 1,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा, चाहे आप ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, आप कोई भी कैटेगरी के हों, लेकिन आपको जमा करना है रजिस्ट्रेशन फीस सभी को 1,000 रुपये। और दोस्तों अगर आप 1,000 रुपये जमा करेंगे तो आपका जो डेट होगा रजिस्ट्रेशन के थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड के लिए आपका 20 जुलाई से 21 जुलाई के बीच दोस्तों रजिस्ट्रेशन की डेट जो रखी गई है 20 जुलाई से 21 जुलाई के बीच रखी गई है। और फिर बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोस्तों जो है वो आपका होगा 21 जुलाई से 22 जुलाई के बीच, इसके लिए एक दिन डेट रखी गई है। और रजिस्ट्रेशन के लिए थर्ड राउंड के दोस्तों की बात करें तो 20 जुलाई से 21 जुलाई के बीच आपके रजिस्ट्रेशन की डेट रखी गई है। और दोस्तों अगर बात करें हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तो 21 जुलाई से 22 जुलाई मतलब दोनों के लिए एक एक दिन का टाइमिंग दिया गया है, विशेष ध्यान रखिए दोस्तों थर्ड राउंड के लिए। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन च्वाइस लॉकिंग, तो आप पहले चॉइस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा फिर चॉइस करेंगे फिर लॉक करेंगे कॉलेज को, तो इसमें क्या होगा दोस्तों 21 से 23 इसके लिए दो दिन टाइमिंग दिया गया है दोस्तों, 21 जुलाई से आपको 23 जुलाई के बीच टाइमिंग दिया गया है। तो आप चॉइस करेंगे फिर लॉक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका आता है सीट अलाटमेंट, तो सीट अलाट आपको जो कॉलेज अलाट होगा तो उसके लिए आपको एक अलाटमेंट पेपर मिलेगा। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन विलिंगनेस, ऑनलाइन विलिंगनेस दोस्तों फ्रीज और फ्लॉट है वही चीज़ दोस्तों, जैसे हमने आपको ऊपर बताया था फ्रीज और फ्लॉट का मतलब बता दिया है आपको, आप समझ चुके होंगे। तो फ्रीज और फ्लॉट करना है अगर दोस्तों आपको लेना है तो फ्रीज और नहीं लेना है तो फ्लॉट, आगे की काउंसलिंग के लिए आप योग्य हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी जो ऑनलाइन विलिंगनेस फ्रीज और फ्लॉट की है इसकी डेट क्या है दोस्तों, इसकी डेट आपके दोस्तों 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच रखी गई है। और पेमेंट ऑफ सीट पर कन्फर्मेशन के लिए क्या है दोस्तों, उसके लिए भी आपको दोस्तों 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच रखी गई है सीट कन्फर्मेशन की। और दोस्तों ऑनलाइन विलिंगनेस फ्रीज और फ्लॉट दोनों की एक ही समय दिया गया है 2 दिन, ये ध्यान से आप देखो टाइमिंग, और दोनों एक ही समय दिया गया है, दोनों ऑप्शन अलग हैं लेकिन दोनों टाइमिंग एक ही है दोस्तों। तो ऑनलाइन विलिंगनेस और पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन आपके 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच है। उसके बाद बात करें दोस्तों आपका ऑनलाइन विड्रा, ऑनलाइन विड्रा दोस्तों अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है
तो दोस्तों अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, आपको वापस आपको पैसा होगा, तो थर्ड राउंड के लिए आपको कितना पैसा वापस होगा ये आप यहाँ बहुत विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ अगर आपको वापस होगा तो आपने 20,000 जमा किए हैं तो आपको आधा ही पैसा वापस होगा। अगर थर्ड राउंड की बात करें, थर्ड राउंड में दोस्तों अगर आपने 20,000 आपने जमा किया था लेकिन आपको जो थर्ड राउंड में वापस होगा वो केवल 10,000 रुपये आपको वापस होगा। जनरल OBC की बात करें तो 10,000 वापस होगा और SC ST की बात करें तो आपको ओनली 6,000 रुपये वापस होंगे, चूँकि आपने 12,000 रुपये जमा किया है और जनरल और OBC 20,000 रुपये वापस जमा किए हैं, तो इस प्रकार उनको आधा ही जमा आपको वापस होगा, जो आपको विड्रा होगा वो आधा जमा वापस होगा। लेकिन अगर दोस्तों आप सेकंड राउंड की हम बात कर रहे थे तो सेकंड राउंड में आप देख रहे थे यहाँ आपको 15,000 रुपये वापस हो रहा था और 9,000 रुपये SC और ST को वापस हो रहे थे, जनरल और OBC को 15,000 रुपये वापस। सेकंड राउंड में दोस्तों 15,000 है और 9,000 है, और अगर दोस्तों थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड में आप देख रहे थे आपका 1,000, 10,000 और 6,000 वापस होंगे। आप समझ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों इसके बाद बात करें फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्री सीट कैंडिडेट, तो फिजिकल रिपोर्ट दोस्तों आपका ये कॉलेज अलाट हो गया, आपको विड्रा हो गया, अगर आपको नहीं मिलता तो विड्रा हो जाएगा, अगर जो किसको कॉलेज मिला है उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या होगा दोस्तों, उनकी डेट रखी गई है 26 जुलाई से 29 जुलाई, सभी का दोस्तों लास्ट जो रिपोर्टिंग है फिजिकल रिपोर्टिंग वो 29 जुलाई ही है सभी राउंड का, तो वो 26 से 29 जुलाई रखी गई है। उसके बाद दोस्तों बात करें सीट इवेंट आपका, उसके बाद सीट में अलाटमेंट होगा, तो 26/7/2019 को दोस्तों आपका सीट अलाटमेंट होगा, ये फोर्थ राउंड की हम बात कर रहे हैं। फोर्थ राउंड में आपका कितना होगा दोस्तों, 26/7/2026 जुलाई को होगा। और दोस्तों इसके पेमेंट ऑफ फीट जो सीट है उसके कंफर्मेशन कब होगी, इसकी दोस्तों कंफर्मेशन होगी 26 जुलाई से 27 जुलाई। इसके लिए कितना डेट रखी गई दोस्तों, 1 दिन का, 1 दिन का आपका रखा गया है जो टाइम इंटरवल है दोस्तों, 1 दिन का रखा गया है, 26 जुलाई से 27 जुलाई फोर्थ राउंड को जो पेमेंट है सीट कन्फर्मेशन 1 दिन रखा गया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें इसके लिए आपका फोर्थ राउंड के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग एंड फ्रीज एंड सीट कैंडिडेट जो हैं दोस्तों, जो फ्रीज कर चुके हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग होगा फ्रीज कैंडिडेट का, तो उनके लिए 27 से 29 जुलाई। दोस्तों आपको हमने बताया दोस्तों सभी राउंड का जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगा लास्ट जो डेट है वो 29 जुलाई तक है। तो इसके बाद बात करें दोस्तों इंटरवल साइडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपका इंटरवल साइडिंग जो है दोस्तों वो आपका उसकी डेट रखी गई है कितना दोस्तों, ये 30 जुलाई रखी गई है। और सीट वैकेंसी फॉर स्पॉट काउंसलिंग की जो डेट है दोस्तों, आप विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों, स्पॉट के में जो जिनका दोस्तों को नहीं पता हो सकता है, जो नहीं हो पाते उनके स्पॉट राउंड की बात करें तो वो 31 जुलाई से है आपका, कितने दोस्तों, 31 जुलाई से। और दोस्तों अगर बात करें हम कि उनका स्पॉट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, स्पॉट के लिए कब से स्टार्ट होगा, तो रजिस्ट्रेशन उसका स्पॉट के राउंड वन, ये भी दोस्तों राउंड वन और राउंड टू है, तो राउंड वन का आपका दोस्तों होगा जो वो 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच होगा, कितना दोस्तों, 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच राउंड वन का रजिस्ट्रेशन होगा स्पॉट काउंसलिंग के लिए, ध्यान दे दोस्तों रजिस्ट्रेशन होगा। और दोस्तों स्पॉट काउंसलिंग वन के लिए आपका स्पॉट काउंसलिंग वन होगा दोस्तों, ये स्पॉट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग जो होगी आपकी 8 अगस्त को 10 बजे से होगी, 8 अगस्त का 10 बजे से होगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेकेंड आपका राउंड टू के, आपके स्पॉट टू की बात करें तो राउंड टू के स्पॉट टू की बात करें तो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन होगा उसके 10 अगस्त से होगा, जिस दिन दोस्तों स्पॉट काउंसलिंग वन का स्पॉट काउंसलिंग वन होगी ख़त्म, उसी दिन दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन स्पॉट राउंड टू स्टार्ट होगा, मतलब आपका 10 तारीख से स्टार्ट होगा और ये 12 तारीख तक चलेगा, 12 अगस्त तक चलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके स्पॉट काउंसलिंग की बात करें तो स्पॉट काउंसलिंग टू की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग टू की बात करें तो स्पॉट काउंसलिंग टू आपकी 14/8/2019 को लास्ट होगी दोस्तों, 14/8/2019 की लास्ट होगी दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे आपका जो स्पॉट वन है दोस्तों 8 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और 5 तारीख को आपको लास्ट होगी, 5 अगस्त को लास्ट होगा, 1 अगस्त से 5 अगस्त। और स्पॉट काउंसलिंग कब होगी दोस्तों वन की, तो स्पॉट काउंसलिंग आपको 8 अगस्त को होगी। अगर दोस्तों रजिस्ट्रेशन की बात करें, स्पॉट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपका टू की बात करें, स्पॉट राउंड टू की बात करें दोस्तों, तो राउंड टू की आपके 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच होगा और स्पॉट काउंसलिंग जो होगी दोस्तों वो होगी आपकी 14 अगस्त को, कितने दोस्तों, 14 अगस्त को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए लगातार बना हूँ तो आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।